राजा के यहां बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए।